आपने बुलाया था ही? हाँ, मला जरा तुम्हा दोघींशी बोलायचं आहे. हम सब जानते हैं कि इस घर की शांति भंग हो गई है, खुशहाली भंग हो गई है. There's a lot of negativity in this house और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि हम गृह शांति करेंगे. इससे घर का माहौल चेंज हो जाएगा. रोशाली, एक और बात, तू पण ऐक. मेहमान घर पर आएंगे तो वो देखेंगे कि हम एक यूनाइटेड फैमिली है. हमारी आपस में जो अनबन है वो मेहमानों को पता नहीं चलनी चाहिए. दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. डोंट वरी ताई, ऐसा कुछ नहीं होगा. मैं आज से अरेंजमेंट शुरू करती हूँ. गुड. और हाँ, पूजा में नरेन और अंकिता बैठेंगे. ताई, क्या अंकिता का बैठना जरूरी है पूजा में? अंकिता इस घर की बड़ी बहू है रोशाली, पूजा में वो बैठेगी नरेन के साथ. ठीक है. किन्नरी, तू देखो, मैं जानती हूं कि रौनक अब जेल में है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि तुम इस घर की छोटी बहू हो. इस घर की छोटी बहू बनकर तुम इस पूजा में शामिल होगी. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर. उसको पता लगेगा कि मैं भी बहुत टैलेंटेड हूं, अच्छा खाना बना सकता हूं. रेडी फॉर यू मैडम. पागल क्या कर रहा है? गॉड, डोंट टेल मी आज का खाना ये बनाएगा. मर गई किन्नरी, क्या दिन आ गए कि पागल के हाथ का खाना खाना पड़ेगा. क्या सिद्धवरी, तुम यहाँ खड़ी हो क्या, बड़बड़ कर रही हो? डरा दिया मुझे. जाओ, पागल समझने के लोग तुम्हें, अपने आपसे बातें कर रही हो. लेकिन आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये पिज्जा बना रहा हूँ, और ये सरप्राइज है आना के लिए. बट आप ये सब क्यों कर रहे हैं? नौकर कर देंगे ना. कोई नौकर नहीं करेगा, मैंने सबको छुट्टी दे दी. कहाँ है आना? अब वो अत्तू के साथ है और कल की पूजा की तैयारियां कर रही है. गुड, उसको यहाँ पे मत आने देना, ओके? इट्स अ सरप्राइज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर हर, और कोई हेल्प नहीं करेगा मेरी, मैं खुद करूंगा सब कुछ, ओके? एक बार होल्ड करो. हेलो, हाँ हाँ मैं रेडी हूँ. तुम रेडी हो ना? सब कुछ तैयार है जैसे मैंने बोला था? या ओके. अब देखो तुरी, मेरा काम करना, आना कोई इधर मत आने देना. और मैंने ना एक रेस्टोरेंट एकदम रिक्रिएट किया है लंदन के पिज्जा पार्लर जैसे, तो तुम आना को लेके वहाँ आ जाना. मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ. और एक वाइट साड़ी भी खरीदी है उसके लिए, बहुत अच्छी, उसको बोलना वही पहन के आए प्लीज. अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मैं तुम्हारे लिए पिज्जा का स्लाइस रख के जाऊंगा, ओके? स्पेशल बनाऊंगा तुम्हारे लिए, कर देना, ओके? गो गो गो. हाँ, गो, जल्दी जाओ, जाओ ना. क्या दिन आए हैं किन्नरी, उस चौल वाले की चाकरी करनी पड़ रही है. क्या देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारी आंखें या तुम्हारे होंठ. आंखें? नहीं नहीं, होंठ. इट्स ओके नरेन सर, एक्चुअली दोनों को 10 out of 10. और तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो. अच्छा, रेडी फॉर माय सेकंड सरप्राइज? और क्या सरप्राइज है? आंखें बंद करो, बता दो. आंखें बंद करो ना आना प्लीज. आगे बात, तू दिखता नहीं रहा. नो सर. ओके, काउंट ऑफ 3 पे खोलना. खोलू? नहीं, 3, 2, 1. तुम्हारा फेवरेट पिज्जा, लिटिल कैप्सिकम, लिटिल पेपर और नो चिलीज. और ये मैंने खुद बनाया, सरप्राइज ही है. क्या आपने बनाया? तुम्हें विश्वास नहीं है तो सिसुमिरी को फोन करके पूछ लो, करो कॉल करो. नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू, मतलब मुझे पता है आप ही ने बनाया होगा और इसकी कुछ भी बहुत यमी सी लग रही है. तो लिटिल बिट ऑफ चीज, कॉर्न, चिली फ्लेक्स एंड कैप्सिकम. थैंक यू. चीयर्स.
और खा के बताओ कि कैसा है। बेटा अब आएगा मजा। नरेन, सरप्राइज तो तुमने अंकिता को दिया है, लेकिन इसे एंजॉय तो मैं करूंगी। थैंक यू। वेरी यम्मी है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसा जैसा तुम्हें चाहिए था। नो चिलीज, लिटिल पेपर एंड ऑलिव्स। याद है ना तुम्हें, बिल्कुल चिलीज नहीं खाती थी। ये ना तुम्हारी चॉइस। यस सर। अब थैंक यू। देयर यू गो। थैंक यू सनी, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर इवनिंग सो स्पेशल। थैंक यू। माय प्लेजर। वैसे भी आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, लाइक अ मैच मेड इन हेवन। थैंक यू। और तुम भी कितनी सुंदर लग रही हो साड़ी में, स्पेशली वेरी नाइस है ना। है ना, थैंक यू। हां स्वीट ना, इतना क्यूट डांस किया ना सनी ने, मजा आया। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, खाइए। अरे इतनी मुश्किल से तुम्हें मनाया था मैंने, अब क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं हुआ सर, आप खाइए प्लीज। नहीं, कुछ तो हुआ है, तुम बताओ क्या हुआ। मैंने डांस किया इसलिए, नहीं ना। हाँ ना, मैं तो ओके की फिल्म आ रही है इसलिए सिर्फ। प्रॉमिस मी कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसे किसी भी लड़की के साथ डांस नहीं करेंगे। सनी के साथ? हाँ नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं करूँगा। आप और फिर बताइए मुझे बुरा लगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्रॉमिस करो। नहीं करो। कैसे प्रॉमिस? प्रॉमिस करो पहले एक को। एक प्रॉमिस। ओके लास्ट प्रॉमिस। यस प्रॉमिस सर कि तुम मुझे सॉरी नहीं बोलोगी और रोगी नहीं और सिर्फ प्यार करोगी। क्या करूंगी? प्यार। नरेन सो कुछ ओके नरेन। यस हाँ ना मैडम, बोलो। मुझे कुछ कन्फेस करना है। करूं? मुझे पता है कि जब आपने मुझसे शादी की थी तो आप मुझे बहुत सारा प्यार करते थे और इसलिए आपने मुझसे शादी की, लेकिन आपको पता है कि मैंने आपसे शादी क्यों की? पैसों के लिए, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मुझे वो सब कुछ देखना था, इसलिए मैंने आपसे शादी की। शशांक की मॉम सही सोचती है, बोलती है कि मैंने पैसों के लिए आपसे शादी की, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई लव यू एंड आई लव यू सो मच। And I promise कि मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। I love you। मैंने पैसों के लिए शादी की थी, लेकिन अब मैं आपसे प्यार करती हूँ।
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।